सात दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा मैच का आयोजन हुआ संपन्न। खबर रोहतास जिले के दरहट स्थित अशोक कुमार जैन उच्च विद्यालय खेल के मैदान से है, जहां सात दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा मैच नासरीगंज और सासाराम के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता सौ डॉक्टर निर्मल डॉक्टर तथा जदयू के जिला अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फुटबॉल को किक मारकर किया। मौके पर डॉक्टर निर्मल कुमार खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किए तथा उन्होंने खेल को लेकर के सभी खिलाड़ियों को शुभकामना दी। मैच के अंत तक दोनों टीमों में से कोई भी गोल नहीं कर पाई। मैच का निर्णय पेनाल्टी शूटआउट के द्वारा किया गया। आप जिस पीला टी शर्ट को देख रहे होंगे और जिस पर हरा रंग का पट्टी लगा होगा वह नासरीगंज की टीम है, और जो पीला कलर पर ब्लू कलर का पट्टी लगा होगा वह सासाराम की टीम है। आइए देखते हैं किस तरह से पेनाल्टी शूटआउट के दौरान नासरीगंज की टीम एक गोल से विजयी हुई। डॉक्टर निर्मल कुमार कुशवाहा आज दरियत हाई स्कूल के प्रांगण में फुटबॉल का टीम मैच खेला जा रहा है, चंदन जी द्वारा कराया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय काम है। फुटबॉल से शारीरिक विकास होता है। यह मैच आंकड़ों का खेल नहीं, ये शारीरिक परिश्रम का खेल है। इसमें सभी को आनंद आता है, इसलिए ये सराहनीय काम है। मैं इसको आशा करता हूँ कि ये इस तरह का मैच हर जगह होना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे? खिलाड़ी बहुत अच्छे तरह से खेल रहे हैं और बहुत ये तरार और ससराम की टीम है, दोनों बहुत अच्छे तरीका से खेल रहे हैं और इसी तरह से मैच होना चाहिए। अजय कुशवाहा रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष और डेहरी दक्षिणी के जिला परिषद बिस्तरी के उपाध्यक्ष। आज हम लोग दरियट अशोक जैन उच्च विद्यालय में क्रिकेट खेल का फुटबॉल का आयोजन किया गया है। यह आयोजन चंदन जी जो कि अनीता जी के पुत्र हैं, दरियट के रहने वाले हैं, उनके द्वारा यह किया जा रहा है, उनके ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। मैं उन ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ कि आज देहात में यह खेल जो है प्रचलित है, लेकिन बहुत कम जगहों पर, क्योंकि यह रिस्की खेल है, इसमें खिलाड़ी लड़ भी जाते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों को, इन बाधाओं को दूर करते हुए चंदन जी ने जो मैच आयोजन किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज यह गांव देहातों का खेल है। क्रिकेट तो एक आंकड़ा का खेल है, क्रिकेट बहुत लंबा समय भी लेता है, लेकिन डेढ़ घंटा का खेल से लोगों का मनोरंजन होता है और खिलाड़ियों का शारीरिक परिश्रम होता है। यह एक अच्छा खेल है, हम इस खेल को पसंद करते हैं और आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देते हैं।